हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं आज हम, और इस रीडिंग का टॉपिक ये है कि नो कांटेक्ट में अगर आप हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन है या बहुत कम बातें होती है, कभी कभार बात होती है, लो कांटेक्ट या नो कांटेक्ट वालों के लिए ये रीडिंग है। इसमें हम देखने वाले आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कोई नेक्स्ट एक्शन वो खुद लेंगे या आपको लेना पड़ेगा, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स लाइट द कैंडल, देखते हैं नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। ओके, सबसे पहले ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना एक बहुत ही अजीब सा मुझे स्ट्रेस दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं, ठीक है? आपको ऐसा सोचो कि आप दोनों एक ही कंपनी में काम करते हो, एक ही फील्ड में हो या एक ही जगह पे काम कर रहे हो, देख पा रहे हो एक दूसरे को, 8 या 9 घंटे सामने हो, लेकिन एक अजीब सा ही साइलेंस है। कुछ कह नहीं पा रहे हो, कुछ बोल नहीं पा रहे हो, देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो सब कुछ एक दूसरे को, लेकिन एक ऑकवर्डनेस, हाँ ऑकवर्डनेस है आप दोनों के बीच में इस वक्त। स्पेशली आपके पर्सन की तरफ से मुझे ये चीज़ फील हो रही है कि वो बहुत ऑकवर्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ बोलना है, बहुत कुछ फील करते हैं आपके लिए, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं या चूज कर रहे हैं नॉट टू से एनीथिंग। ओके, तो ये चीज़ सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिख रही है, ऑकवर्डनेस मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे फील हो रही है आपके पर्सन की तरफ से। स्ट्रेस मुझे फील हो रहा है बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से, ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन को लेकर परेशान है, कहना बहुत कुछ चाह रहे हैं बट कह नहीं पा रहे हैं। ओके, और आप भी कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो तड़प देख रही हूँ मैं, लेकिन आप भी कह नहीं पा रहे हो। सिचुएशन ही ऐसी नहीं है जहाँ पे आप कुछ बोलोगे। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम से आप लोगों के बीच जो सिचुएशन है ना, वो जैसी की तैसी है, कोई चेंजेस नहीं आए हैं उसमें, कोई बदलाव नहीं आया है, सिचुएशन स्टक सी है आप दोनों के बीच में। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे मूवमेंट नहीं हो रही है चीज़ों, सिचुएशन की एक इम्प्रूवमेंट नहीं देख रही हूँ मैं आप दोनों के बीच में। आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है, मतलब वो वेट कर रहे हैं लिटरली कि कब ये जो सिचुएशन है वो बदलेगी, कब वो आपसे कंफर्टेबली बात कर पाएंगे या कब वो रिप्लाई कर पाएंगे आपको। बट ज़्यादातर मुझे ना पावर स्ट्रगल या ईगो दिख रहा है आप दोनों के अंदर, स्पेशली आपके पर्सन की तरफ से। ठीक है, देखो एक चीज मैं बोलूँ आपको, आपके पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे, उनका पूरा ध्यान है आप पे, वो आपको नोटिस भी कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है कि वो उनका मतलब वो हिम्मत करके एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं चीज़ों को सही करने के लिए, सॉरी एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं चीज़ों को सही करने के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे गिव अप कर दिया हो। ओके, मतलब हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, बस नोटिस कर रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे, ईगो की वजह से ज्यादातर ये चीज मुझे फील हो रही है। एक बाउंड्री सेट करके बैठे हैं, एक चुप्पी साध के बैठे हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, आप उनको देख पा रहे हो, वो आपको देख पा रहे हैं, लेकिन कोई कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा है यहाँ पे। क्योंकि आप अगर एक्शन लोगे भी, चलो आपने अपना ईगो साइड में रख के उनके लिए एक्शन ले लिया, वो वहां पे अगर इतना एटीट्यूड में बैठे हैं तो कहीं ऐसा ना हो ना कि आपको रिजेक्ट कर दे आपकी, इज्जत, कहीं ना कहीं आप अपनी इज्जत बचाने पे के लिए कहीं ना कहीं एक्शन नहीं ले रहे हो। ओके, एक चीज बोलूं, लेकिन ये पर्सन आपसे सच में प्यार करते हैं, इनकी जो फीलिंग्स है वो बहुत ही मैच्योर है, चाहे ये आपसे बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कैसे भी बिहेव कर रहे हो, लेकिन इनकी फीलिंग्स आपको लेकर काफी मैच्योर है, सिंसियर है, दिल से है। ठीक है, ऑनेस्ट फीलिंग्स है इनकी आपको लेकर, और ये सच में आपसे फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है उनके, भले ही वो आपसे कह नहीं पा रहे हो लेकिन बहुत कुछ चल रहा है उनके दिमाग में, बहुत कुछ सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, स्पेशली खुद को लेकर बहुत कुछ सोच रहे हैं कि मैंने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, क्या नहीं करना चाहिए था।
मुझे ऐसा भी लगता है इस पर्सन की फीलिंग्स वक्त के साथ और ज़्यादा सिंसियर होते जा रही है, और ज़्यादा गहराती जा रही है, ये आपको लेकर ज़्यादा ज़्यादा दिन ब दिन सीरियस होते जा रहे हैं। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत कोशिश कर रहे हैं इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी के बीच में कहीं ना कहीं झूल रहे हैं। कई बार ये बहुत ज़्यादा इमोशनली सोचने लगते हैं, कई बार ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचने लगते हैं, ठीक है। तो ये एक नतीजे तक पहुंच नहीं पा रहे, एक नतीजे पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ना कई बार ऐसा हुआ है दोनों के रिलेशनशिप में कि चीज़ें सही होती है, फिर गलत जाती है, फिर झगड़े होते हैं, तो एक डिस्टर्बेंस बनी रहती है, एक स्टेबिलिटी नहीं बन पाती रिलेशनशिप में। ओके, रह रहकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना, प्रॉब्लम्स आना, आपके आप उन पे ब्लेम कर रहे हो, वो आप पे ब्लेम कर रहे हैं, तो एक रिपीटेड पैटर्न की जैसे चलता आ रहा है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ओके, तो आपके पर्सन को ये रिश्ता जितना हार्ट प्लेजर देता है उतना ही ज़्यादा परेशान भी करता है, उतना ही ज़्यादा दुख भी देता है। और अभी अगर उनकी करंट एनर्जी मैं आपको बताऊँ, बहुत ज़्यादा ये पर्सन खुद को दोष दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ें उनको अफेक्ट कर रही है। ओके, मे बी वो आपको दिखा नहीं रहे लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें अफेक्ट कर रही है उनको। ओके, देखो ये उन्हीं के किए का कहीं ना कहीं नतीजा है। उन्होंने काफ़ी झूठ बोले आपसे, उन्होंने आपको हर्ट किया, दुख दिया आपको। अभी उसी का नतीजा है कि आज उनको एक अकेलापन मिला है। बहुत अच्छा था आप दोनों का रिलेशनशिप, बहुत पैशन था, आप दोनों एक साथ बहुत आगे भी बढ़ रहे थे, हैप्पी थे एक दूसरे के साथ, लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक ख़राब हुई उनके वजह से। ओके, उन्होंने ही कहीं ना कहीं इस रिश्ते को आज इस मुकाम पे पहुंचाया। घूम फिर कर वही सारी चीज़ें होती रही है आपके रिलेशनशिप में रिपीटेडली, बार बार। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ तो करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा उन्हें, आपको भी नहीं समझ आ रहा, उन्हें भी नहीं समझ आ रहा। वो बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक अनसेड स्ट्रेस है, एक बर्डन, एक जैसे सिर पे बोझ बन गई है चीज़ें उनके। ओके, आप पे भी और उनके भी, दोनों बहुत ज़्यादा सह रहे हो, दोनों स्ट्रेस्ड हो। लेकिन अगर हम स्पेशली आपके पर्सन की बात करें, बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। इस पर्सन ने अपने आप को अकेला कर दिया है पूरी तरह से। कहीं ना कहीं उनको एक विक्टिम एनर्जी में है आपके पर्सन, मोस्टली तो मुझे उनकी विक्टिम एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे वो खुद को कोस रहे हैं, खुद कंफ्यूज्ड है, लैक ऑफ क्लैरिटी है आपको ये पर्सन, आप, और मुझे लगता है आप इनको नज़रअंदाज कर रहे हो क्योंकि आप थक चुके हो, आप परेशान हो चुके हो। आप कितना सहोगे, कब तक सहोगे, कितना पेशेंस रखोगे, राइट? एक टाइम आता ही है जहाँ पे इंसान परेशान हो जाता है और वो गिव अप कर देता है। मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है जहाँ पे आपने उस पर्सन को भाव देना ही छोड़ दिया है, आपने उन पे ध्यान देना ही छोड़ दिया है, आप खुद पे फोकस कर रहे हो। और ये चीज़ उनको और ज़्यादा परेशान कर रही है कि आप उनके बिना खुश कैसे हो। देखो, खुश नहीं हो नेसेसरीली, आप बस अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, सो ये पर्सन भी आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि जैसे पुराने दिन थे जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे, वो चाहते हैं कि वो दिन वापस आए, आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहो, वो अपनी वो जो गलतियाँ उन्होंने करी है वो उसको ना दोहराए। तो एक मुझे उनके अंदर ना एक छटपटाते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। ओके, बहुत परेशान दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपको लेकर कोई डिसीजन या किसी नतीजे तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। ओके, डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है। और जब भी क्या होता है पता है, आप दोनों जब रिलेशनशिप में आ जाते हो, बात करने लग जाते हो, सिर्फ और सिर्फ क्लैशेस होते हैं। आप किसी चीज़ के लिए उनको ब्लेम कर रहे हो, वो किसी चीज़ के लिए आपको ब्लेम कर रहे हैं। एक सही पॉइंट पे, एक कॉमन पॉइंट पे आप दोनों का कभी भी आ ही नहीं पाता, क्योंकि अंदर की बातें बाहर आ जाती है, आपका गुस्सा बाहर आ जाता है। ओके, ये पर्सन भले ही अभी आपसे दूर जाते हुए आपको दिख रहे हैं लेकिन वो नहीं जा पा रहे हैं पूरी तरह से, वापस आने के बारे में ही सोच रहे हैं कहीं ना कहीं। और मुझे लगता है सिचुएशंस फेवर में नहीं है, इस रिश्ते के फेवर में सिचुएशन नहीं है अभी फ़िलहाल। ओके, क्योंकि क्लैरिटी जब तक नहीं आएगी ना कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, चीज़ों को सही नहीं करेंगे, सुधारेंगे नहीं अपने आप को, तब तक
कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी ही होती रहेगी, अफेक्ट करती रहेगी और रिश्ते को ख़राब करती रहेगी। चलो आज वो अगर आपके पास आ भी जाए ना, तो उनको सुधर कर आना पड़ेगा, दैट इज़ द थिंग। ठीक है, वो उसी एनर्जी में नहीं आ सकते आपके पास वापस, वही गलतियाँ दोहरा नहीं सकते। पैशन बहुत है, फीलिंग्स बहुत है, आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत है इस पर्सन से। ओके, मुझे आपके पर्सन के अंदर की इमेच्योरिटी दिख रही है, जहाँ पे वो इमेच्योरिटी के चलते ना कई बार रिश्ते को ख़राब कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं बेसिकली रिलेशनशिप को। ओके, आप और आपको क्या चाहिए? आपको सिक्योरिटी चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। आप उससे कम में मानने वाले में मानने नहीं वाले, आप थक चुके हो इस पर्सन के इनकंसिस्टेंसी से, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी बात कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, आप परेशान हो चुके हो, ऐसा लग रहा है जैसे कभी कभी होता है ये कि अगर हम दिल से किसी से प्यार कर रहे हैं ना, तो अगर वो इंसान बार बार हमें परेशान करे, तो एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे हम गिव अप कर देते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, आगे बढ़ना ही सही समझते हैं। तो आप भी दो राहे पे हो कहीं ना कहीं, लेकिन दिल में आप दोनों के प्यार है, दोनों एक दूसरे को लेकर इमोशनल हो, और मुझे लगता है आपके पर्सन इमोशनली डिसीजन लेने वाले हैं बहुत जल्द। जो आपको कंसिस्टेंसी एक्सपेक्टेड है इस पर्सन से, वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। ओके, अब आपके आप इनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करोगे, आप इनको मैनिपुलेट करोगे, यू नो, तो इस रिश्ते की जो डोर है वो आपके हाथ में आने वाली है। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन के लिए अब बहुत मुश्किल होगा आपका ट्रस्ट जीतना, आपका प्यार जीतना, आपको अपना बनाना। ओके, इतना आसान नहीं रहेगा इस पर्सन के लिए, उनको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी आपका ट्रस्ट जीतने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम तक ये पर्सन खुद बहुत विक्टिम एनर्जी में रहे, गलत करके भी। बट यू नो, आप डिजर्व नहीं करते हो, ये पर्सन की प्रॉब्लम है कि उनको उस एनर्जी से बाहर निकल कर आपके पास आना पड़ेगा, क्योंकि जब से आपसे दूर हुए ना, इनके लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, यू नो, सारी चीज़ें बिगड़ रही है, सब कुछ ढह रहा है, यू नो, जो इमारत बनाई है उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी लाइफ में, सब कुछ ख़राब हो रहा है क्योंकि वो आपके साथ ठीक से नहीं रह रहे हैं। ओके, देखो, उनको ये भी पता है कि आपका प्यार बहुत मैच्योर है, आपके प्यार में बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी है, ऑनेस्टी है, आप टाइम पास नहीं करने वालों में से नहीं हो, आप उनके साथ लाइफ टाइम रहोगे अगर वो इस रिश्ते को निभाते हैं तो उनको असलियत पता चल चुकी है, औरों की भी और आपकी भी। ओके, उनको आपकी असलियत बेसिकली पता चल चुकी है, आपका असली रूप उन्हें पता चल चुका है, यू नो, उनको आपकी फीलिंग्स का पता चल चुका है, और आप एक कंप्लीट पैकेज हो आपके जैसा, ना उनको आपसे कम चाहिए कुछ, ना आपसे ज़्यादा चाहिए कुछ, उनको आप चाहिए हो। ओके, क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा यू नो, आपने मुझे लगता है अपने आप को बनाने में बहुत मुश्किल फेस किया है, आपने अपने आप को जिस मुकाम पे भी आप आज हो, अगर आपने बाउंड्री सेट की है उसके पीछे आपकी बहुत यू नो, आपने बहुत कुछ सहा है। यू आर इंडिपेंडेंट पर्सन, आप स्ट्रांग हो, मैच्योर हो, क्योंकि आपने अपने आप पे काम किया है वक्त के साथ, यू नो, आपने अपने आप को बदला है, चेंज किया है। सो आप बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हो इस पर्सन को। इनको पता है कि आपको मनाना बहुत मुश्किल होगा, पहले आप मान जाते थे, कुछ दो बातें इन्होंने प्यार की कह दी, आप मान जाते थे, लेकिन अब मनाना बहुत मुश्किल होगा आपको, बट वो तैयार है, दे आर रेडी। ओके, जो भी किया है उसकी भरपाई के लिए तैयार है, आपको फेस करने के लिए तैयार है, आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, ट्रस्ट जीतेंगे, और ऐसा भी लग रहा है जैसे अब बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है इस पर्सन को। हो सकता है इनके पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ नहीं है उनके पास, और वो हो आप, आपका प्यार। ओके, बहुत अबैंडनमेंट वाली फीलिंग आ रही है इस पर्सन को, बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, वो चाहते हैं यू नो आपको, उनकी लाइफ वो ट्रैक पे ले आना चाहते हैं, और उनको पता है उनकी लाइफ ट्रैक पे आपके साथ ही आ सकती है, आपके बिना नहीं। ओके, क्योंकि जो प्यार आपके लिए फील हुआ है, जो चीज़ें आपके लिए फील हुई है, वो किसी के साथ फील नहीं हुई इस पर्सन को। ओके, हाँ, आपके साथ रिश्ता इतना आसान नहीं रहा है, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, आना जाना ये सारी चीज़ें, इन्होंने बहुत गलतियाँ भी करी, लेकिन अब वो स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और उनको पता है कि यू नो आपको कैसे अट्रैक्ट करना है अपने पास, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि कैसे आपको अट्रैक्ट करना है, वो आपके साथ डेफिनेटली न्यू बिगनिंग करेंगे और आपको अपना बनाएंगे, वो कुछ भी उन्हें आपसे दूर नहीं कर सकता। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए,
उनको पता है कि आपने अपने आप को उस काबिल बनाया है कि आप पे एफर्ट्स डाले वो, ठीक है, या कोई भी आप पे एफर्ट्स क्यों डाले, क्योंकि आप उस काबिल हो बेसिकली. ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन किसी सिचुएशन में फंसे हुए भी हो सकते हैं, फॉर सम ऑफ यू कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, या मे बी आप उनके कार्मिक हो, या वो किसी और कार्मिक के साथ फंसे हुए हैं. ओके, लेकिन उनकी विश फुलफिलमेंट आप ही हो, उनको कंप्लीट आपके साथ ही फील होता है, उनको हैप्पी आपके साथ फील होता है. वो आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते, वो अब आपको दिखा देना चाहते हैं वो एग्जैक्टली आपके लिए क्या फील करते हैं. ओके, उनको पता है आपका प्यार ही है जो उनको हील कर सकता है, जो उनको पॉजिटिव बना सकता है, जो उनको खुश कर सकता है. और ये पर्सन अटैचमेंट इनकी बहुत स्ट्रांग है आपसे, बस वो अपने आप को अब सुधारना चाहते हैं. ओके, अब वो चेंज होकर आना चाहते हैं. पहले क्या होता था कि गलती करके ये पर्सन खुद को ही यू नो डिफेंसिव हो जाते थे कि मैं सही, यू नो, लेकिन अब वो अपनी गलती को मानना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं अपने आप को. ओके, इमोशंस आप उनके देखोगे आने वाले समय में, अट्रैक्शन कितना फील कर रहे हैं वो आपके टूवर्ड्स, वो देखोगे आप. ओके, ऑल्सो जहाँ पे एक टाइम पे इस पर्सन को लगता था कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, वही रिश्ता उनमें, उसमें पोटेंशियल दिखेगा उन्हें. ओके, तो आप उनमें काफ़ी बदलाव देखने वाले हो. तो कभी कभी क्या होता है ना कि दूरियाँ ज़रूरी होती हैं. ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन वापस आने वाले आपके पास, वो नहीं जाएंगे कहीं पे भी. तो आप ये दिमाग में जो चीज़ें आपके नेगेटिविटी आ रही है उसको निकाल दो पूरी तरह से. ओके, पॉजिटिव हो जाओ इस कनेक्शन को लेकर, कुछ नेगेटिव मत सोचो. जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतने पॉजिटिव यू नो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे इस कनेक्शन में, ये मैं हमेशा बोलती हूँ और ये सच में काम करता है. अगर आप नेगेटिव रहोगे ना किसी चीज़ को लेकर, तो पॉजिटिव चीज़ भी आपको नेगेटिव ही रिजल्ट्स देगी. लेकिन अगर आप नेगेटिव नहीं रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, तो चीज़ें आपके हक में होना शुरू हो जाएंगी. और पता नहीं क्यों आज मेरा मन कर रहा है आप सबको थैंक यू बोलने का. 2019 से आप सब मुझसे जुड़े हुए हो, यू नो, अच्छे अच्छे कमेंट भी पढ़ती हूँ, कुछ लोग हेटर्स भी है, ठीक है चलो, लेकिन जो मुझसे प्यार करते मैं दिल से उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप इतने पुराने टाइम से मुझसे जुड़े हो, आपसे मेरी रीडिंग कनेक्ट होती है, आप वीडियो को लाइक करते हो, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, मेरे सर्विसेज लेते हो, आपको वो सर्विसेज आपके काम भी आती है, तो मुझे सच में जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है. इतने सालों से आप साथ में हो एंड आई एम वेरी 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 थैंकफुल, बहुत ग्रेटफुल फील हो रहा है. आई डोंट नो वाई, मुझे आज बहुत ग्रेटफुल फील हो रहा है. सो मैंने सोचा कि अभी कितने साल हो गए, आई थिंक 4-5 साल हो गए आप लोग मेरे साथ हो. सो आई एम सो ग्रेटफुल ईच वन ऑफ यू, सच में दिल से मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ. ऐसे ही जुड़े रहो मेरे साथ, यू नो, इस चैनल के साथ, हमारे मिस्टेक हिंदी टैरो फैमिली के साथ, एंड या ऐसे ही हमारा रिश्ता आगे बढ़ता रहे, मैं आपको हेल्प कर पाऊँ. सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय, लव यू.